ठीक गाइज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कैंचन सो गाइज अभी बजे है मतलब तो कितने बजे लाइट से दिख भी नहीं रहा है साढ़े नौ साढ़े नौ बजे है और मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ आपको गुड मॉर्निंग विश कर देती हूँ वैसे मेरी जो गुड मॉर्निंग होती है आपको विश करने से ही मतलब पूरी होती है और चले अभी कामों में लग जाती हूँ पहले एक्चुअली चाय इन्होंने बना के पी ली थी मैं ही लेट उठी हूँ तो मैं अभी चाय पीऊँगी दूध यहाँ पर दूध का पतीला भी आ, मतलब यहाँ पर बाकी है और ये रात के बर्तन पड़े हैं तो इसे लगाना है और बस ये वाला काम कर लेती हूँ मतलब आज मैं सबसे पहले उठने के बाद नहाने गई नहा के, के आई और उसके बाद अपना स्किन केयर किया जो भी मैं करती हूँ वैसे टोनर और मॉइस्चराइजर डेली क्रीम लगाती हुई तो वो करती हूँ बस वो किया और यहाँ पर आई हूँ तो सबसे पहले ये किया नहीं तो फिर यहाँ पर आती हूँ चाय वगैरह पीती हूँ मतलब सब सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ तो वो भी नहीं हुआ आज गर्म पानी पीना भी नहीं हुआ और बस जल्दी से चाय बना लेती हूँ अपने लिए और गर्म पानी तो आज भी नहीं पीऊंगी ऐसे ही होता है कभी गर्म पानी पीती हूँ कभी नहीं पीती हूँ कभी गर्म पानी में हनी और लेमन डाल देती हूँ कभी गर्म पानी में अपना विनेगर डाल देती हूँ कभी प्लेन वाला गर्म पानी पी लेती हूँ और कभी कुछ भी नहीं तो प्रॉपर डाइट करनी पड़ेगी जल्दी से ही और का हाथ बिक्री माना देता का टेस्टी का अरे अरे वाह वाह टेस्टी खा खा बेटा खा टेस्टी का आवडली आवडली का तुला कैसे देना देना यहाँ पर चल रहा है एक्चुअली मायका लगाना और अंदर का मायका उन्होंने कल लगा लिया काफी सारा काम कल हो गया है काफ़ी सारा मीन्स दिखाई नहीं दे रहा है बट जैसे कि अंदर का मायका लगाना था उधर वाले वार्ड्रोब में और वो मतलब उधर वाले शेल्फ में वगैरह तो वो लग गया है यहाँ पर डोर्स रेडी है जो शेल्फ के डोर्स है वो वाले रेडी है और इसे अभी फिनिशिंग करनी है इसकी जो मायका लगाना था वो मायका लगा के चिपका के रख दिया है सिर्फ अभी ये सारा मायका लगेगा ऊपर वाला और नीचे वाला तो ये मायका लगेगा आज पता नहीं अभी आज कितना काम होगा ये भी नहीं पता है बट uh, काम होने के बाद तो मैं आपको दिखाई दूंगी मतलब कल के ब्लॉग में आप देख ही लेना कि क्या काम हुआ है और बस uh, मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मुझे जल्दी हो जाए सब कुछ काम और जल्दी हम लोग शिफ्ट हो जाए क्योंकि बहुत सारा uh, मेस हो रहा है घर में तो इसी वजह से मैं तो अभी परेशान हो चुकी हूँ इस सारी चीज़ों से क्योंकि कुछ दिन तक अच्छा लगता है जब ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी बन जाए बट अभी uh, ना मतलब ये दोनों ही काम कर देना तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है उनको और जगह भी नहीं है जैसे कि अभी वो लोग बढ़ा भी देंगे तो उनको काम करने के लिए जगह नहीं रहेगी तो इसीलिए फिर अभी रहने वाला घर है ना तो इसीलिए अगर ये सारी चीज़ें पहले होती तो जल्दी जल्दी हो जाती बट अभी रहने के लिए आने के बाद हो रही है तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही तो ये सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर तो ये हो जाएगा आज थोड़ा सा सनमाइका वगैरह लग जाएगा या डोर की फिनिशिंग हो जाएगी और ये सामान जो हमने ये वाले गैलरी में भर के रखा है तो ये भी है इस गैलरी का मेकओवर करूँगी तब देखना अपने बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको मैं सब कुछ अभी चेंज ही करने वाली हूँ क्योंकि अभी ये बहुत सारा मेस हो गया ना तो इसके बाद मैं एक एक करके चेंज करने वाली हूँ सब कुछ क्या हुआ अद्विक? अरे क्या हुआ माई दीदी रिमोट नहीं, दी दी नहीं दे रही है इसी वजह से गुस्सा हो हुँ। हुँ। हुँ? हुँ? अभी अभी भाई से बात हुई है एक्चुअली उसने ना फ्लैट शिफ्ट किया है मतलब आ, मतलब दूसरा फ्लैट लिया है और वहां पर शिफ्ट हो गया है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद क्लिप भी दिखा देती हूँ उसके फ्लैट की उसने मुझे सेंड की थी तो आ, क्या हुआ है कि वो पहले रेंट पर रह रहा था वहां पे तो वहां पर कलरिंग का प्रॉब्लम हो रहा था मतलब वो पपड़ियां निकल रही थी और दीवार की और वो जो ओनर है वो कलर करके नहीं दे रहे थे तो वो सारी चीजें हो रही थी उसको प्रॉब्लम हो रहा था बट वो फिर भी वहां पर रह, रह रहा था इसी वजह से कि उसकी जो कंपनी है वहां से थोड़ी सी पास में ही थी इसी वजह से वो वहां पर रह रहा था मतलब एकदम पास में थी दो किलोमीटर या तीन किलोमीटर का रास्ता होगा वहां से तो उसके फ्लैट से इसी वजह से वो वहां पर रह रहा रह था बट थोड़ा सा भी रहने का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था वन बी के फ्लैट था वो उसको चेंज करना था बट उसको लगा कि अगर मैं कंपनी चेंज करता हूं तो फ्लैट चेंज करूंगा अदरवाइज अगर कंपनी यही रहेगी तो फ्लैट चेंज करने से कोई फायदा नहीं और फिर उसे प्रॉब्लम होने लगा उसका जो पपड़ियां निकल रही थी उस चीज का और वहां पर मतलब सेमी मॉड्युलर भी नहीं था वो वाला जो फ्लैट है वो पहले उसने लिया था बहुत पहले मतलब जब वो बैचलर था उस टाइम लिया था और उस टाइम से वो वहां पर ही रह रहा रह था जब शादी हुई फिर भी वहां पर ही रह रहा था पहले कल्याणी मुंबई में थी इसी वजह से वहां से अपडाउन मतलब वहां पर ज्यादा उसका रहना नहीं होता था बट बाद में जब आई तो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गए उसके तो वो ज्यादा पे नहीं रहती थी ये ज्यादा घर पर नहीं रहता था तो स्क्रीन को लगा के शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं है जब कंपनी चेंज करेगा तभी शिफ्ट होगा बट अभी उसका कंपनी चेंज करने का कोई इरादा नहीं था तो उसने फ्लैट ही चेंज किया तो अभी शिफ्ट हो गया है वो कोई लगाने के लिए नहीं है वहां पे उन्होंने वो बुक किया था सर्विस बुक की थी जो वो नहीं सामान लेके जाते हैं और वहां पर भी लगा के देते हैं यहां से लेके जाते हैं बॉक्स में पैक करते हैं उधर लेके जाते हैं फिर उधर भी निकाल के देते हैं तो ये सारी चीज़ें वो वाला जो सिस्टम था उसने वो बुक किया था तो वो किया और वहाँ पर फिर वो शिफ्ट हो गया तो अभी शिफ्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा सामान उन्होंने लगा दिया है और अभी मुझे कल क्लिप भेजी थी रात को तो मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ कि वो आ, कैसा फ्लैट है अभी का अभी बहुत अच्छा है वैसे फ्लैट अभी लेकिन उसके पास ना सामान नहीं था मतलब उसके पास उसने क्या किया कि उस वाले फ्लैट में सामान नहीं लिया कुछ भी क्योंकि उसको चेंज करना था ना तो इसी वजह से शिफ्ट होना था तो उसको लगा कि जहां पर भी शिफ्ट होंगे एक तो खुद का ले लेंगे नहीं तो फिर रेंट पे ले लेंगे तो रेंट पे अगर लेंगे तो वहां पर ही अच्छे से सामान लेंगे सजाएंगे अच्छे से घर तो वहां पर ही करेंगे क्योंकि क्योंकि किचन में ट्रॉलीज वगैरह भी नहीं थी वहां पर वन बी था तो वहां पर वेंटिलेशन का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था बट इसका था कि यार नहीं शिफ्ट नहीं करते हैं क्योंकि जितने दिन चलता है उतने दिन चला लेते हैं क्योंकि क्या होता था कि अगर वो कंपनी चेंज करता तो और शिफ्ट करना पड़ता है उसमें और शिफ्टिंग में शिफ्टिंग में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है यार पूना जैसे सिटी में तो बहुत ज्यादा अभी तो उसको दस हजार तक लगे होंगे शिफ्टिंग के लिए क्योंकि वो उसने पैकेज बुक किया था उसकी वजह से तो चलिए उसका फ्लैट देख लीजिए पहले उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे तो ये है एंट्रेंस एक्चुअली उसने रात को शूट किया था ना तो इसी वजह से इतना अच्छे से नहीं दिखाई देगा बट आपको फिर भी दिखा देती हूँ यहाँ पर ये लिविंग रूम है यहाँ पर उसने टीवी हैंग किया है कुछ भी नहीं है अभी वहाँ पर कुछ इतना नहीं था ना तो इसी वजह से यहाँ पर अभी सोफ़ा वगैरह उसे लेना है यहाँ पर उन्होंने ही ये झूमर वगैरह दिए थे तो मतलब आ, इसी में फ्लैट में आया है ये और उसके बाद आ, ये वाला जो टेबल उसने टीवी के नीचे रखा था ये उसने अभी उसका काम करने के लिए रखा है मतलब अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहा है ना पुणे में है तो पुणे में अभी और केसेस बढ़ रहे हैं तो इसी वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है वो और यहाँ पर ये वो सिस्टम है जो आ, बाहर का दिखता है अंदर से किसी को भी तो वो है और फिर यहाँ पर एक गैलरी है तो गैलरी का भी नज़र आपको दिखा देती हूँ तो गैलरी के अंदर से ऐसे ही सेफ्टी के लिए डोर दिया है ये वाला और उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी सी गैलरी है अच्छे से मतलब यहाँ पर हम लोग टी वगैरह भी ले सकते हैं अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं गैलरी को और बस इसके नीचे गार्डन भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है उसको मैंने बोला भी कि गार्डन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है नीचे तो नीचे का नजारा भी काफ़ी अच्छा है मतलब फोटो सेशन के लिए भी अच्छा है माही बोल रही थी कि मम्मा ये तो फोटो सेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और उसके बाद ऐसे ही रात को टहलने के लिए भी अच्छा है बैठने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसके बाद यहाँ पर ये वाली गैलरी और उसके बाद इधर से अंदर जाएंगे तो अंदर जाएंगे तो ये लिविंग रूम है उसके बाद किचन है किचन uh, भी ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं किया है उसने क्योंकि एक ही दिन हुए हैं उसको यहाँ पर आए हुए हैं और उसके बाद अच्छे से सेट नहीं कर पाए क्योंकि uh, वो तो दिन भर काम करते रहता है वर्क फ्रॉम होम है उसका तो इसी वजह से और वो अकेली बेचारी कितना करेगी तो इसी वजह से इतना ज़्यादा अच्छे से सेट नहीं हुआ है एक ही दिन तो हुआ है और बस यहाँ पर भगवान रख दिया है सबसे पहले निकाल के भगवान जी की पूजा करने के लिए डेली होता है तो और यहाँ पर इस तरह से किचन है तो अच्छे से जब सेट करेंगे ना तो अगर आप बोलोगे तो एक बार उसका होम टूर भी मतलब जो फ्लैट है वो उसका टूर भी करा दूंगी आपके लिए आ, उसको बोलूंगी कराने के लिए नहीं तो फिर मैं वहाँ पर जाऊंगी कभी तो तब करा दूंगी और यहाँ पर अच्छे से उसने इतना सेट नहीं किया है तो ये आप देख लीजिए किचन इस तरह से है और उसके बाद यहाँ पर यूटिलिटी एरिया है तो वो भी वहाँ पर भी आप देख लीजिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी है और भी बहुत सामान लगाना बाकी है बिल्कुल एक रूम में तो पूरा सामान ही पड़ा है उसका लगाना बाकी है कनेक्शन कनेक्शन में ही टाइम लगा चला गया ज़्यादातर मतलब तो पहला दिन तो उनका कनेक्शन में ही टाइम चला गया क्योंकि ए फिट करना था उसमें टाइम चला गया उसके बाद थोड़ा सा वॉशिंग मशीन का भी प्रॉब्लम हो गया था तो वो फिट करने में बोल रहा था टाइम चला गया है और उसके बाद यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए भी जगह है अच्छी और उसके बाद बोला था कि बाकी का सामान लगाने में टाइम चला गया थोड़ा सा किचन का सामान तो सबसे पहले लगाना ही पड़ा बोला तो उसमें टाइम चला गया तो बहुत सारा टाइम ऐसे ही चला गया बोले तो इसीलिए उसका मतलब ये सारा सामान लगाना नहीं हुआ और फिर ये यहाँ से आता है लिविंग रूम में उसके बाद बेडरूम है दो बेडरूम है टू बी एच के है इसी वजह से दो बेडरूम्स है और एक बेडरूम में तो सारा सामान ही पड़ा है उसका तो वो और दूसरा जो बेडरूम है उसमें उसने सेट किया है तो यहाँ पर दो बेडरूम्स है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऐसे ही बेसिन है क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम है इसी वजह से यहाँ पर बेसिन रखा है उसके नीचे भी स्टोरेज के लिए जगह दी हुई है तो काफ़ी सारा उसमें भी सामान आ गया है उसका तो वो भी आ, मतलब अभी लगा देंगे और यहाँ पर ऐसे ही उसने एक टांग दिया है अभी का देखने के लिए मिरर छोटा सा अभी सब कुछ उसको सेट करना है वैसे डेकोरेट करना है घर को और सब कुछ करना है वहाँ पर तो कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि ये दोनों भी घर पे नहीं रहते हैं ना तो इसी वजह से इतना ज़्यादा मतलब टाइम भी नहीं मिल पाता है उनको तो यहाँ पर ये है वॉशरूम जो कॉमन वॉशरूम है वो और उसके बाद उधर एक बेडरूम में भी है तो ये भी आप देख लीजिए और उसके बाद एक बेडरूम में भी वॉशरूम है बाथरूम में भी ऐसे ही लगा दिया होगा उन्होंने सब कुछ रख दिया होगा तो अभी यहाँ पर एक उसके ही सामने बाथरूम के जस्ट सामने एक बेडरूम है तो वहाँ पर भी काफ़ी सारा सामान ऐसे ही पड़ा है जो लगाना बाकी है और जो कपड़े थे कपड़ में से लग, निकाले हुए थे तो वो सूट केस में है तो वो भी कबड़ में लगाना बाकी है तो काफ़ी सारी चीज़ें है यार बहुत सारा शिफ्टिंग के बाद होता है काम तो वो सब कुछ अभी काम उनको करना पड़ेगा वैसे मम्मी जाएगी उसके पास वहाँ पर सब कुछ काम करके थोड़ा सा देने के लिए बट मम्मी को अभी अभी थोड़ा टाइम है तो तब तक तो उनको करना पड़ेगा और यहाँ पर उसने बेडरूम शिफ्ट की है मतलब सेट की है तो ये ए का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बोल रहा था ए सी का थोड़ा सा वो बीम वीम की वजह से इतने सारे पाइप्स दिख रहे थे और मैंने उसको पूछा कि ये पाइप वगैरह कैसे दिख रहे हैं तो वो बोल रहा है रेंटेड हाउस में वैसे ही होता है और हाँ ये उसका खुद का नहीं लिया हुआ है रेंट का है तो इसी वजह से मैं आपको बता दूँ नहीं तो बहुत से लोग सोचेंगे कि खुद का है क्या खुद का लेने वाला है बट अभी थोड़ा सा टाइम है उसे और अभी उसका कुछ भी फिक्स नहीं है इसकी वजह से खुद का नहीं ले रहा है मतलब यहाँ पर रहना है या दूसरी सिटी में शिफ्ट होना है क्या है मतलब कुछ भी उसका डिसाइडेड नहीं है तो इसी वजह से वो ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा है नहीं तो अभी तक तो ले लेता वैसे खुद का फ्लैट बट यहाँ पर अभी देख सकती हो आप नीचे से मुझे तो गार्डन का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सब सबसे ज़्यादा गैलरीज का ही लुक अच्छा लगा मतलब गैलरी में बैठने के बाद बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है मुझे यही सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है तो यहाँ पर वही बहुत ज़्यादा अच्छा है वैसे पिछला जो फ्लैट था ना तो उसमें आगे का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा था बट अंदर वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था तो इसी वजह से उसको थोड़ा सा लग रहा था बट वो शिफ्टिंग के लिए थोड़ा सा सोच रहा था शिफ्टिंग उसको कुछ कंफर्म ही नहीं है इसी वजह से शिफ्टिंग के लिए वो बहुत सोचता है तो यहाँ पर यही तो हम लोगों ने बोल बोल के उसको शिफ्ट करने के लिए बोला है अभी और बस यहाँ पर ये वाला जो मतलब अटैच बाथरूम है इसका बेडरूम का तो ये है और वो वाला जो पहले दिखाया था वो कॉमन लैटरिन बाथरूम था ये वाला अटैच लैट्रिन बाथरूम है बेडरूम का और ये बस इसका भी नज़र आप देख लीजिए एक बार उसने पूरा मुझे क्लिप दिखाया था क्योंकि ना वीडियो कॉल किया था ना मैंने तो वीडियो कॉल पे अच्छे से नहीं दिख रहा था थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था तो इसी वजह से मैंने उसको बोला कि आप क्लिप ही शूट करके दिखा दो तो ये मुझे काम में आ गई कि अभी मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा देती हूँ आपको भी पता चल जाए कि क्या हो रहा है ऐसे ही मुझे याद आया तो मैंने सोचा चलो आपको भी बता देती हूँ कि आ, भाई ने शिफ्ट कर लिया है दूसरे फ्लैट में यहाँ पर एक्चुअली अद्विक के मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं जो उसने पहने थे और वैसे वैसे ही रख दिए थे इतना ज़्यादा मैं तो क्या है ना कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन से कपड़े कहाँ पर हैं अदबिक कवर्ड में से कपड़े निकालता है पहनता है और वैसे के वैसे ही दिन में तीन चार बार तो कपड़े चेंज करता ही है और समझ में नहीं आता है कि कौन से कपड़े कहाँ पर रखे कहीं पर भी डाल देता है तो इसीलिए मैंने ये जो अच्छे वाले कपड़े थे उसके कुछ धोए हुए नहीं थे वो धोने के लिए डाल दिया है अभी तो इसके बाद हाथों से ही वॉश करूंगी इसे क्योंकि गंदे होके रखे हैं वो और हाथ से वॉश करने से ही बच्चों के कपड़े अच्छे निकलते हैं ये सारे कपड़े अद्विक के हैं और उसमें मेरे भी एक दो कुर्तीज़ है तो ये सारे हम लोग निकाल रहे हैं अद्विक के जो जो पहनने के हैं वो सारे साइड में निकालेंगे डेली यूज़ के और जो अच्छे हैं वो भी सारे मिक्स हो गए हैं एक्चुअली अच्छे भी ए में मिक्स हो गए हैं नए वाले भी और पुराने वाले भी मतलब जो घर पर पहनता है वो भी तो नए वाले भी घर पे पहन लेता है और डेली यूज़ वाले भी, भी घर पे पहन लेता है तो इस वजह से अभी ये इसमें से निकाल रहे हैं हम लोग कुछ मैंने भिगोने के लिए डाल दिए हैं जो वॉश करने के थे और और इसे दिन में तीन से चार बार कपड़े चेंज करने के लिए चाहिए अभी उसे दूसरे कपड़े चाहिए अभी थोड़ी देर के बाद अभी दूसरे कपड़े दिखेंगे उसके ऊपर आपको ऐसे ही करता है ये तो इसी वजह से अभी इसमें ये वाले बास्केट में हम लोग निकाल रहे हैं जो भी वो पहनेगा नहीं वो वाले कपड़े छोटे जो छोटे हो रहे, रहे हैं वो सब भी मिक्स हो गया है यार इसमें अभी तो चलो करते हैं इसे अभी क्लीन और मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद देखिए अभी ये सारे कपड़े वॉश करने लगे वो भीग गए हैं थोड़ी देर भिगो के रखे थे तो भीग गए हैं अभी ये सारे कपड़े हाथों से वॉश करूँगी और उसके बाद सुखाने के लिए डाल दूंगी उल्टे सुखाने पड़ेंगे नहीं तो फिर उसका मतलब वो कलर उड़ जाएगा ऐसे ही होता है यार हम लोग जो अगर बच्चों के कपड़े मशीन में डाल देते हैं ना तो एक दूसरे का कलर एक दूसरे को लगने का डर रहता है और अच्छे कपड़े ख़राब हो जाते हैं और अच्छे से निकलते भी नहीं है तो इसी वजह से अगर अच्छे कपड़े हो ना बच्चों के तो हाथ से धोने में ही फायदा होता है अभी यहाँ पर देखो बच्चों का मतलब कोई भी कपड़ा हो बच्चों का गंदा हो ही जाता है बच्चे खाते हैं कुछ कहीं पर भी बैठ जाता है खेलते हैं नीचे खेलते हैं तो इसी वजह से बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं इसीलिए ये जो टी शर्ट और शर्ट्स है ना वो मैं सारे हाथों से धो दूंगी और सुखाने के लिए डाल दूँगी अदरवाइज़ ये मतलब और भी ज्यादा गंदे हो जाएंगे अगर मशीन में डालूंगी तो तो बस ये काम कर लूंगी और जो पीछे की बाल्टी आप देख रहे हो वो सारी मशीन में जाएंगे क्योंकि अः के ही कपड़े मैं हाथों से धोने वाली हूँ यहाँ पर खाना खाने वाले थे तो उससे पहले मम्मी भगवान को भोग लगा रही थी तो यहाँ पर भगवान की थाली भगवान को दे दी है और उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे तो यहाँ पर मम्मी वेट करी है थाली का भगवान खा लेंगे उसके बाद मम्मी वो थाली लेके आएंगे खाने के लिए तो, तो यहाँ पर खाने में क्या क्या बनाया है वो भी दिखा देती हूँ मट्ठा बना है वो तो मेरा फेवरेट है ही और दाल तड़का बना है यहाँ पर भरता है और ये शेजवान चटनी है जो मैंने ली है इस साइड में रोटी है बस आज इतना ही है लंच में तो लंच कर लेंगे मिलती हूँ लंच करने के बाद आपसे क्योंकि मुझे आ, मैं भूल गई थी अद्विक के कपड़े भी सुखाने हैं तो तो पर पर मैं के के कपड़े सुखाने डाल डाल रही रही तो आप सोच रहे होंगे कि, कि यहाँ पर आगे ही क्यों डाल रही हूं, क्योंकि ऊपर भी धूल है और साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पीछे भी धूल है इसी वजह से सामने डालने पड़ रहे हैं और अभी धूप है तो जल्दी ही सुख जायेंगे सामने वाले कपड़े भी हे क्या चलिए इस ब्लॉग को यहीं यही एंड करती हूँ मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो और हाँ आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे इसके अलावा दो चैनल है और आप चाहो तो मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे और हाँ इंस्टा के ऊपर जरूर एक बार चेक कर लेना आपको जरूर पसंद आएगा और वहां पर भी मुझे फॉलो कर देना चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल बाय